आज तक हमने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जीवन संघर्ष को पढ़ा है, उनके द्वारा लिखे गए संविधान को जाना और जिया है। बाबा साहब द्वारा दी गई सामाजिक क्रांति के इतिहास को पढ़ा तथा हिंदूपन के जातिवाद ने किस कदर उनको पग पग पर अपमानित किया और ठेस पहुंचाई, ये सब कुछ जाना है। मगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को किसने मारा, इस सच्चाई को गहनता से आज तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद आपके सामने इतिहास की धूमिल तस्वीरें शीशे की तरह साफ नजर आएंगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। दोस्तों, शुरू करते हैं बाबा साहब की दूसरी शादी से। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की पहली पत्नी माता रमाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो गया था। संविधान लेखन के दौरान डॉक्टर अंबेडकर का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जा रहा था और उनको शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी भी हो गई थी। उनका इलाज एक महिला डॉक्टर शारदा कबीर कर रही थी। कुछ समय पश्चात डॉक्टर शारदा और बाबा साहब ने शादी करने का फैसला किया। आखिर 15 अप्रैल 1948 को उन दोनों का विवाह हो गया। शारदा जो डॉक्टर थी वह ब्राह्मण थी। शादी के बाद उनका नाम सविता अंबेडकर पड़ गया। सविता अंबेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदाय से अनेक लोग कुपित हो गए थे। अनेक ब्राह्मणों ने अंबेडकर की दलित राजनीति और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के एक वर्ग ने कहा कि इससे गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्या बाबा साहब को शादी के लिए एक ब्राह्मण स्त्री ही मिली थी। कईयों ने इसे ब्राह्मणों की अंबेडकर को मारने की चाल तक कह डाला। संविधान निर्माता भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु पर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। 6 दिसंबर 1956 की सुबह बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया, यह खबर आग की तरह फैल गया था। बाबा साहब के अनुयायी सदमे में थे और लोगों को ये यकीन नहीं हो रहा था कि बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया है। उनके करोड़ों अनुयायी ये जानना चाहते थे कि उनके प्रिय नेता और मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को आखिर किसने मारा, उनकी मौत प्राकृतिक थी या उन्हें किसी ने मार दिया है। शक की सुई डॉक्टर सविता अंबेडकर की तरफ जाने लगी। बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी उनकी मौत के लिए उनकी दूसरी पत्नी डॉक्टर सविता अंबेडकर को दोषी माना। देश के करोड़ों अंबेडकरवादियों के अपील पर तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जांच कमेटी बैठाई। इस कमेटी ने डॉक्टर सविता अंबेडकर को आरोप मुक्त कर दिया था। बाबा साहब की मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों ने पूरी कोशिश की कि उनके मौत की हकीकत पता चल जाए, लेकिन ये मुमकिन नहीं था क्योंकि जिस व्यवस्था ने उनको पग पग पर मार डाला था, मरने के बाद वही लोग सत्ता पर बैठे हुए थे। अंबेडकर के देहांत के बाद देश का वंचित, पिछड़ा, आदिवासी, गरीब, महिला और दलित वर्ग अनाथ सा हो गया था। और हो भी क्यों ना, अब उनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था और वे इसी सोच में थे कि उनके मसीहा डॉक्टर अंबेडकर को किसी ने तो ज़रूर मारा होगा। लेकिन बाबा साहब ने अपनी मौत से पहले अपने अनुयायियों को 3 संदेश देके गए थे जो आज भी जिंदा है। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। उनके अनुयायी आज भी उसी 3 सिद्धांत पर चल रहे हैं और आज शिक्षित भी हैं, संगठित भी हैं और अपने सपनों के लिए संघर्ष भी कर रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आ रहे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।